हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ अपने चैनल रेनू ब्यूटी पार्लर में। आजकल सभी पार्लर और सैलून वगैरह बंद हैं, तो आप घर पर अपने आप वैक्स किस तरीके से बना सकते हैं ये देखिए। ये हमने घर पर वैक्स बनाई है और आप घर पर रहकर ही वैक्स वगैरह कर सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं या किसी से भी करवा सकते हैं। तो आज हमने वैक्स बनाई है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने गैस को ऑन किया है और उसके ऊपर एक बर्तन रख दिया है। और बर्तन रखने के बाद मैंने एक कटोरी भरकर ये चीनी डाली है मैंने, और चीनी डालने के बाद मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, यानी कि 5-6 चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। और अब हम इसको मिलाएंगे और हल्की हल्की आंच पर इसको चीनी को हम घुलने देंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हल्की हल्की आँच पर इसको हम चलाते रहेंगे, और चलाने के बाद ये देखिए इस तरीके से ये जब थोड़ी सी घुल जाएगी चीनी, तो उसके बाद ये हमने 2 नींबू लिए हैं, ये देखिए काफ़ी रस वाले नींबू हैं ये, और इसका हम रस निकाल लेंगे। और ये हमारी जो चीनी है इसे हल्के हल्के आंच पे पकने देंगे, और इसमें खद्दे आ गए हैं काफ़ी, ये चीनी थोड़ी सी घुल गई है हमारी। अब हमने ये देखिए ये नींबू का रस निकाल लिया था, और उसके बाद ये हमने छन्नी से छान कर जो हमारी चीनी पक रही है उसके अंदर हम मिक्स कर देंगे, और इसके जो बीज हैं इसको हम अलग निकाल देंगे। ये हमने बीज निकाल दिए हैं और अब हम इसको पकने देंगे, अच्छी तरीके से पकाना है और इसे चलाते रहना है। ये देखिए, ये हमारी वैक्स बन के तैयार हो रही है, और इसे अच्छी तरीके से पकने देंगे। और जब ये पकते पकते देखिए धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज होने लग जाएगा, जैसे मार्केट की वैक्स आती है। तो आप घर पर ही मार्केट जैसी वैक्स अपने घर पर बना सकते हैं। और ये देखिए, इसे लगातार चलाते रहना है, और चलाने के बाद अभी हमारी वैक्स देखिए इस कलर की हो गई है। अब देखिए हमारी वैक्स हो गई है, अब हमने गैस बंद कर दी है, और अब हम पहले इसको चेक करेंगे कि हमारी वैक्स सही तरीके से बनी है या नहीं। तो उसके लिए हम एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी ले लेंगे, सादा पानी जो होता है वही ले लेंगे, और थोड़ी सी जो हमने वैक्स बनाई है उसको हम इसके अंदर पानी के अंदर डाल देंगे, और इस तरीके से हिलाएंगे और हाथ से हम इसको मिलाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारी एक जगह इकट्ठी हो जाएगी और इस तरीके से हो जाएगी। अभी हम इसको हाथ में लेके दिखाएंगे, ये हमारी इस तरीके से ये हमारी वैक्स हो जाएगी। अगर वैक्स तैयार नहीं होती है तो पानी के अंदर ही मिक्स हो जाती है, और ये हमारे हाथों पर चिपकती भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारी वैक्स तैयार हो गई है। अब हम इसे गैस पे से उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे, और अब हम वैक्स करके भी दिखाएंगे जो हमने वैक्स बनाई है। उसके लिए आपके पास अगर नाइफ़ है तो नाइफ़ से, या आप स्पून भी ले सकते हैं। और ये मैंने एलोवेरा लिया है, अगर आपके पास जेल नहीं है तो आप एलोवेरा ले सकते हैं। और ये पाउडर लिया है, और थोड़ा सा हमने कपड़ा लिया है, और कपड़ा लेकर या कॉटन से आप इस तरीके से पाउडर लगाएंगे। आप देख रहे हैं ये हमारी वैक्स थोड़ी ठंडी हो गई है, और इसको अब हम स्पून की मदद से भी कर सकते हैं अगर आपके पास नाइफ नहीं है। तो ये देखिए, ये थोड़ी सी हमने वैक्स ली है, और बालों की डायरेक्शन में हमें वैक्स लगानी है, यानी कि ऊपर से नीचे हमें वैक्स लगानी है, और नीचे से ऊपर हमें स्टिप्स को खींचना है। ये हमने, अगर आपके पास स्टिप्स भी नहीं है तो आप जैसे कोई पुरानी जीन्स वगैरह होती है, तो जीन्स हमने जो पुरानी थी उसमें से हमने स्टिप्स काट ली है। अब ये देखिए, जैसे ज़्यादा बाल हैं तो मैं उनके ऊपर ही करके दिखा रही हूँ, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से। और ये हमने वैक्स लगाई है, वैक्स लगाते समय बालों की डायरेक्शन का ध्यान रखना है। और इस तरीके से आप कोई सा भी थोड़ा सा मोटा कपड़ा लेकर या जींस का कपड़ा लेकर स्टिप्स भी बना सकते हैं। ये देखिए, जैसे इनके बाल हैं, काफ़ी बाल हैं इनके हाथों में, और ये मैं जेंट्स के ऊपर ही करके दिखा रही हूँ, क्योंकि जेंट्स के भी काफ़ी बाल होते हैं, तो पता चल जाएगा कि जिसके काफ़ी बाल होते हैं तो उसको भी किस तरीके से वैक्स से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। और घर पर बहुत ही आसान तरीके से हम बाजार जैसी वैक्स बना सकते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट वगैरह बंद है, पार्लर बंद है, सैलून वगैरह बंद है। तो आप घर पर वैक्स बनाकर बहुत ही आसान तरीके से वैक्स बनाकर
और आप वैक्स कर सकते हैं, या घर में अगर कोई वैक्स किसी को करनी आती है तो उससे करवा भी सकते हैं, और आप अपने आप भी कर सकते हैं। आप मेरे सेल्फ वैक्स किस तरीके से कर सकते हैं तो उसकी वीडियो भी आप मेरी चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए, इनके काफ़ी हेयर थे तो ये मैंने थोड़ी थोड़ी सी वैक्स, थोड़ी सी हल्की सी फूंक मारनी है, और इस तरीके से हमें, अगर आपके पास नाइफ़ है तो नाइफ़ से भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए, जैसे ऊपर से इनके बाल क्लीन हो गए हैं, अब जैसे हैंड्स पर भी बाल वगैरह होते हैं तो उसको भी हम इस तरीके से ऊपर से नीचे हम वैक्स लगाएंगे, और नीचे से ऊपर की तरफ हम स्टिप से बालों को खींचेंगे। अब इनके देखिए हैंड्स के बाल सारे क्लीन हो गए हैं। अब ये अगर आपके पास कोई जेल वगैरह भी नहीं है तो आप इस तरीके से एलोवेरा ले सकते हैं, उसको छीलकर उसका उसमें से गूदा निकाल सकते हैं, यानी कि जेल निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से करके, और पूरे हाथों पे इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे, और इस तरीके से हम एलोवेरा भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार वैक्स करने के बाद कई बार स्किन रेड हो जाती है, या हल्के हल्के से धब्बड़ पड़ जाते हैं, या थोड़े थोड़े से दाने निकल जाते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए, हमारे ये जेल से नॉर्मल हो जाते हैं। तो आप इनके देख सकते हैं हेयर कि एक हाथ में इनके कितने हेयर थे, और दूसरे हाथ में भी आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम वैक्स घर में बनाकर अपने बालों को रिमूव कर सकते हैं, और घर पर बहुत ही आसान तरीके से वैक्स बन जाती है। तो अब आप दोनों हाथों में अंतर देख सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।